win the champions trophy inshallah. नहीं छोड़ना उनको, उनको मार कर रखना। पाकिस्तान जीतेगा और हमारी टीम जो है ये ट्रॉफी लेकर आएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान इंशाल्लाह इंडिया से जीत जाएगा इस दफ़ा। पाकिस्तान ही जीतेगा और हमेशा की तरह ही जीतेगा इंशाल्लाह। रोजे भी हम खूब दुआएं करेंगे और हम ही चैंपियन ट्रॉफी घर लेके आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जीतेगा, हमारी आवाम की सारी दुआएं उनके साथ होती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस दफा जीतेगा इंशाल्लाह। हमारे पास भी मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा। अगर जीता तो सारा खुशी होगी। तो बहुत अच्छा खेलते हैं इंडिया, कुछ भी नहीं है, देयर इज नो मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तानी जज्बे से भी सरशार होते हैं। आगे भी माजी में हम इंडिया को हराते रहे हैं और इंशाल्लाह इस बार तो फिर रोजे हैं और हम इंशाल्लाह हम दुआ भी करेंगे नमाज में और ये पाकिस्तान को जरूर जीतेगा और इंडिया हरेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। 4 जून को चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले मैच में पाकिस्तान भारत के खिलाफ बर्मिंघम के एडबिस्टन क्रिकेट ग्राउंड में मैदान में उतर रहा है। इस मैच के लिए भारत को फेवरेट करार दिया जा रहा है, लेकिन अगर पेपर पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों का मुवाजना किया जाए तो अंदाजा होगा कि पाकिस्तानी टीम इतनी कमजोर भी नहीं। लाहौर ये दिल बर्दाश्त नजर आए, कहते हैं रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खिलाड़ियों की कारकर्दगी ने उन्हें सख्त मायूस किया। कोई गेम प्लान नहीं है, कोई टीम का नेटवर्क नहीं नजर आ रहा, कोई चीज मुझे बता दें मैच में जिसमें हमें फखर हो कि हमारी टीम ने बॉलिंग में अच्छी फाइट की, फील्डिंग में की, बैटिंग में की। हमारा कप्तान देख ले, 2 स्कोर लेता है, थक जाता है। हम तो बहुत ज्यादा मायूस हो गए हैं, अब हो सकता है शायद दोबारा मैच देखने भी ना आए कभी। दिल को बहलाने के लिए ये कह लेते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो बिल्कुल न्यू थी। अलबत्ता सरफराज से उम्मीद थी, सरफराज अच्छा नहीं खेला, सरफराज दे गया। इंडिया से लॉर्ड्स में कभी नहीं जीते और इस दफा भी उन्होंने वही किया और हम लोग रोजे में इसलिए यहाँ पे आए थे कि चलो ठीक है थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा एंटरटेन हो जाएंगे। हम सुबह से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि पाकिस्तान मैच कम से कम अच्छा खेल के हारते तो हमें इतना अफसोस ना होता, थोड़ा करीब जाके हार जाते, लेकिन एक बुरी तरह मैच हार रहे हैं और पाकिस्तान की टीम से ऐसी तवक्को वगैरह कभी भी नहीं चलते, बहुत मायूस कुन सूरत हाल है। सिलेक्शन से लेके सरफराज की कैप्टनसी तक हर चीज़ बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। सिलेक्शन में भी इन्होंने जुनेद खान की जगह वहाब रियाज को रखा, 83 या 87 रन कंसीड कर दिए और फिर उसके बाद बैटिंग में भी हफीज़ ने जो है हमेशा की तरह रन आउट करवाया। बहुत ज़्यादा लो स्कोर से हारे और ये हमारे लिए बड़ी बड़ी शर्म की बात है कि पाकिस्तानी टीम ने बहुत नाउमीद किया।